Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. All right, viewers, Sports 360 में आपको एक दफा फिर वेलकम करते हैं और आज हमारे साथ बड़े डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट. शॉर्टर फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट की बात करूं तो स्पेशलिस्ट माने जाते हैं जो आजकल की क्रिकेट में एक चीज, मैं अभी प्रोग्राम में आगे चल के इसको डिस्कस करेंगे, एक चीज जो नहीं नजर आती उसके वो मास्टर कहलाए जाते थे. मैं यॉर्कर्स की बात कर रहा हूँ, डेथ ओवर्स की बात कर रहा हूँ. हमारे साथ मौजूद हैं उमर गुल. उमर, आपको स्पोर्ट्स 360 में वेलकम करते हैं. थैंक यू सो मच. राइट उमर, फर्स्ट क्लास क्रिकेट, सिर्फ 9 फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आना 19 साल की उम्र में. 2003 में आपने डेब्यू किया अगेंस्ट बांग्लादेश. सबसे पहले आपसे एक गेस्ट सवाल करूंगा कि आपको अपनी पहली विकेट याद है, आपने किसको आउट किया था? टेस्ट मैच में मुझे जावेद बालम समथिंग इस तरह बांग्लादेशी बैट्समैन थे, जावेद बालम. बिल्कुल सही कह रहे हैं, जावेद उमर को आपने क्लीन बोल्ड किया था. जी बिल्कुल. और हमारे कैप्टन थे राशिद लतीफ. जी बिल्कुल, राशिद भाई थे हमारे कैप्टन. उमर, इतने ज्यादा मैचेस आपने खेले अगेंस्ट इंडिया, 5 for 25, एक जबरदस्त मैच विनिंग स्पेल आपने किया, लेकिन फिर उसके बाद से इंजरी का शिकार हो गए. 3 आपको स्ट्रेस फ्रैक्चर हुए आपके. कितना डिफिकल्ट होता है कोई इंजरी से बचना, और अगर हो जाए इंजरी उसके बाद से दोबारा रिकवर करना और फिर दोबारा आके टीम के लिए परफॉर्म करना, कितना मुश्किल है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इंजरी के बाद फिर वापस आना, फिर कम बैक करना, और फिर आप इतने इम्प्रूव बॉलर आते हो, तो ये सबसे बड़ी बात है कि वो मेंटली और फिजिकली कितना स्ट्रांग है, वो अपने आप को किस तरह उठाता है इंजरी के बाद. और लाइक अगर आपको याद हो, जब मैं इंजर्ड हुआ था 2004 में अगेंस्ट इंडिया, तो उस टाइम पे आई वाज लाइक 135-136 का बॉलर था स्पीड जो मेरी आ रही थी. तो उसके बाद जो मैंने जो ट्रेनिंग की है और इस तरह मैं फिजिकली और मेंटली जितना स्ट्रांग होके वापस आया, तो पहले ही स्पेल में जब मैं इंजरी के बाद आया तो मैं 140 प्लस का बॉलर बन गया. कि ये टोटली प्लेयर पे डिपेंड करता है कि वो कितना मेंटली स्ट्रांग है, वो कितना हार्ड वर्क करता है उस इंजरी से वापस आने के लिए, और फिर दोबारा से टीम को ज्वाइन करना, इंटरनेशनल अरेना पे फिर से एक दफा अपने आप मनवाना और टीम को रिप्रेजेंट करना, फिर टीम के लिए मैचेस जिताना. उमर, 19 साल की उम्र में आपने खेलना शुरू किया पाकिस्तान के लिए, और उस टीम में जब आपने डेब्यू किया तो शोएब अख्तर, शब्बीर अहमद, दिनेश कनेरिया, मोहम्मद हफीज, बॉलिंग अटैक की अगर मैं बात करूँ तो इनपे मुश्तमिल था. तो कितना मुश्किल था कि शोएब अख्तर और शब्बीर अहमद, जो टीम में अपनी जगह एस्टैब्लिश कर चुके थे, उनके बाद टीम में आना और अपनी जगह को मुस्तहकम करना? देखिए, बड़ा मुश्किल होता है एक टीनेजर के लिए, इतने अर्ली एज पे आप आते हो और फिर जब आप अपनी टीम में जब एक दफा आना तो इजी होता है, लेकिन फिर अपने प्लेस को सस्टेन करना ये बड़ा मुश्किल होता है. और आई थिंक अगर आप उस टाइम के बॉलर्स को देखते हैं तो जिस तरह आपने कहा कि शोएब अख्तर, समी, शब्बीर अहमद, मोहम्मद जाहिद, ये सारे हमारे उस टाइम के टीम में थे, जो कि मेरे लिए एक बड़ा चैलेंजिंग भी था, और प्लस ये कि उससे मुझे फायदा भी हुआ क्योंकि जो मेरे सीनियर थे, शोएब अख्तर हो गए या शब्बीर अहमद या मोहम्मद समी हो गए, उनके काफी एक्सपीरियंस था डोमेस्टिक क्रिकेट का भी, इंटरनेशनल का भी, तो उनसे काफी चीजें मुझे सीखने को भी मिली. बिल्कुल चैलेंजिंग था, लेकिन साथ ही साथ मेरे लिए बड़ा एक अच्छा जबरदस्त एक लर्निंग कर्व भी था वो, कि मैं अपने सीनियर के साथ खेल रहा हूँ जिसकी काफी डोमेस्टिक की और इंटरनेशनल के काफी एक्सपीरियंस था उनको, और मैं उनके बीच में रह के मुझे काफी चीजें सीखने को भी मिली, क्योंकि टीम में आपका एक रोल मॉडल होना चाहिए जो आपके सीनियर होते हैं, तो आप उससे काफी चीजें सीखते हो. जब आप अंडर प्रेशर होते हो, प्रेशर टाइम पे किस तरह आपने बॉल करना है, तो आई थिंक उस टाइम पे जितने भी सीनियर्स थे, राशिद भाई हो गए थे, यूनुस भाई वगैरह, ये सारे उनसे काफी चीजें मैंने सीखी है, और जिसने आगे जाके मेरे करियर में आगे फ्यूचर में बड़ा हेल्प किया उस चीज ने. ओवर T20 फॉर्मेट की बात करें तो हमेशा आप ओल्ड बॉल 11 ओवर हो जाए तब उमर को लाते थे, और एक जबरदस्त रिवर्स स्विंग हमने देखा जिसमें आप मास्टर थे, और 2007 और 2009 दोनों वो वर्ल्ड कप हैं T20 के जिनमें आप हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, और लोगों को नहीं भूला होगा 2009 का सेमीफाइनल अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, और जो 19वां ओवर आपने करवाया अब वो तो जबरदस्त, यॉर्कर एक के बाद एक यॉर्कर और बैट्समैन अनेबल था क्योंकि उनकी बाउंड्रीज चाहिए थी, लेकिन इतना अच्छा कंट्रोल यॉर्कर्स का, इसके लिए क्या प्रैक्टिस करते थे?
आकिब जावेद का एक मैंने इंटरव्यू सुना था, तो आकिब जावेद ने कहा था अगर उनको यॉर्कर करना होता था तो वो स्टंप्स की बेल्स को टारगेट करते थे। आप क्या, आपके पास क्या ट्रिक्स थी, आप क्या प्रैक्टिस करते थे? देखिए, पहले तो मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा कि आपने कहा कि वाइड बॉल पे ना स्पेशली टी ट्वेंटी में 10-12 ओवर के बाद जब मैं आता था और स्ट्रेट टाइम अपने 4 ओवर करता था, तो ये हमने प्लान किया था 2007 जो फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप हो रहा था साउथ अफ्रीका में, तो वहाँ पे इनिशियली मैचेस में वार्म अप मैचेस में मैंने नए बॉल के साथ बॉल किए और हमेशा से नया बॉल में लाइक भी करता था, मैं नए बॉल का बॉलर भी था और साथ ही साथ में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस चीज़ का रिवर्स स्विंग का काफ़ी आइडिया हो गया था, रिवर्स स्विंग काफ़ी अच्छी थी मेरे। हमें प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि ऊपर से मैं 1-2 ओवर करता था सर्कल में, फिर बाद में हमारे पास जो बॉलर्स थे तो मोहम्मद आसिफ था आई थिंक, यासिर रफात और सुहेल तनवीर, तो उनके पास वो पेस नहीं था जितना पेस मेरा था, 140 प्लस पे मैं बॉल करता था प्लस जो रिवर्स स्विंग था, तो हमें डेप्थ के ओवर में ना प्रॉब्लम हो रही थी इनिशियली जो प्रैक्टिस मैचेस में हुए। तो फिर टीम मैनेजमेंट ने, कोच ने और कैप्टन ने शेम, अच्छा ये इनिंग्स का वो वक्त होता है जो बड़ा डिफिकल्ट होता है बॉलर्स के लिए कि कंटेन करना है, बैट्समैन ऑल आउट जा रहे होते हैं कि अब उन्होंने मैक्सिमम रन जो है वो स्कोर करने हैं रिमेनिंग ओवर्स में, और इस वक्त आके बॉल करना और इतना कंट्रोल बॉल करना ये आसान नहीं है। तो बाज दफा होता होगा कि कोई आप यॉर्कर ट्राई कर रहे हो क्योंकि यॉर्कर ज्यादा सबसे ज्यादा इफेक्टिव है इन डेथ ओवर्स में बॉल करना, तो वो सही जगह पे जहाँ पे आप बॉल पिच करना चाहते हैं वहां ना पिच हो रहा, ऑफ बॉल ही बन जाए तो बैट्समैन कनेक्ट कर दे, तो डिमोरलाइज होते हैं या प्लेयर्स आपके सपोर्ट जो आपका टीम का वो आके कहता है कोई ऐसी बात नहीं, नेक्स्ट बॉल अच्छा हो सकता है और तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर ये एबिलिटी है? देखिए, वो स्कोर होना ना होना ये तो पार्ट ऑफ गेम है, समटाइम बैट्समैन ट्राई करता है कि वो स्कोर करे लेकिन वो आउट हो जाते हैं, सेम गोज विद द बॉलर्स कि वो ट्राई करता है कि आप अपना बेस्ट से बेस्ट दे सके, होता भी है समटाइम, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो आपकी टीम प्लानिंग होती है, जो आपका एक प्लान होता है मैच के बारे में, मैच से एक दिन पहले जो हम प्लान करते थे जो टीम की जो मीटिंग होती थी, तो उसके मुताबिक अगर आप बॉल करते हो या अपने फील्ड के मुताबिक अगर आप बॉल करते हो और फिर उस पर अगर आपको अच्छा शॉट पड़ जाए तो इसमें मेरे ख्याल से ना बॉलर डिमोरलाइज होता है और ना कैप्टन उस चीज़ को माइंड करता है, क्योंकि जब आप अपने फील्ड के मुताबिक बॉल करते हो तो उसमें यह है कि अच्छा शॉट ही जो ना वो बाउंड्री हो सकती है, अदरवाइज तकरीबन 80-90% आप अपने टारगेट पे बॉल करते हो। और मुझे अपने उस बॉलिंग का पता था कि मैं डेथ में जो ओवर कर रहा हूँ तो मेरी क्या फील्ड होनी चाहिए, मैं अपनी फील्ड के मुताबिक बॉल करता था, मैं अपने कैप्टन को पहले ही कहता था कि यार कौन सा बैट्समैन है, मुझे मैं उस चीज़ पे होमवर्क करता था कि हम कल अगर हमारा मैच है तो किस बैट्समैन को मैंने क्या बॉल करना है और इसके लिए मेरी क्या फील्ड पोजिशन होनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है बॉलर के लिए कि वो अपने फील्ड को पहचान सके कि उसकी फील्ड क्या होनी चाहिए, कि मैं अगर मैं बाउंसर करने जा रहा हूँ या मैं यॉर्कर करने जा रहा हूँ तो मेरे क्या फील्ड होनी चाहिए, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप बैट्समैन को कितने जल्दी रीड करते हो, तो एक अच्छा बॉलर वही होता है जो बैट्समैन को जितने जल्दी रीड कर सके उतनी उसको कामयाबी मिल सकती है, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें जो ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, और अगर आप अपने फील्ड के मुताबिक अगर आपको रन भी पड़ते हैं तो मेरे ख्याल से ना बॉलर इससे डिमोरलाइज होते और ना ही आपका कैप्टन इस चीज को माइंड करता है। उमर, आपने क्रिकेट पाकिस्तान की तरफ से और बाकी लीग्स और काउंटीज सारी दुनिया में जाते थे, आपको सबसे ज्यादा मजा कहाँ पे खेलने में आया, किस ऑपोजिशन के अगेंस्ट और किस मुल्क में सबसे ज्यादा खेलने में? देखिए, अगर आप बात करें तो मुझे जो सबसे ज़्यादा मज़ा आया, मुझे टू बी ऑनेस्ट इंग्लैंड में बड़ा मज़ा आया, वहाँ पे जो स्पेशली जो क्राउड होता है, जो कंडीशन होता है वहाँ पे, एक तो खेलने का बड़ा मज़ा आता है, दूसरा ये कि ऑस्ट्रेलिया, और फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे जो प्रेशर और मज़े वाली जो मैचेज है होते हैं वो अगेंस्ट इंडिया और इंडिया में, क्योंकि जब आप इंडिया में जाते हो और जब भी पाकिस्तान इंडिया के मैच होते हो आपको पता है कि जब आप अच्छा करते हो तो जितना भी क्राउड होता है 60-70-80,000 जितना भी क्राउड होता है वो वन साइडेड होते हैं, ऑब्वियसली हर क्राउड अपने होम टीम को सपोर्ट करता है लेकिन कुछ जगहों पे ऐसे होते हैं जिस तरह इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, वहाँ पे वो जो भी अच्छा परफॉर्म करता है तो उनको इक्वली अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जब आप इंडिया में जाते हो तो आप टोटली अगेंस्ट है इंडिया के, अगर कोई बैट्समैन अगर सिंगल भी ले रहे तो पूरा क्राउड जितने भी
स्टेडियम पर होते हैं, वो क्राउड जो है उसका जो शोर होता है और बड़ा प्रेशर होता है। तो इंडिया में भी बड़ा एंजॉय किया। ये तीन कंट्रीज ऐसे हैं कि जहां पे मुझे काफी मजा आया क्रिकेट खेलने का। Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.